हेलो फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बिल्कुल ठीक ठाक है। मैं भी ठीक हूँ। एंड आज तो संडे है, सो आप सबको हैप्पी संडे। अभी दोपहर के 3 बज रहे हैं, मैंने अभी तक लंच नहीं किया, बट आप लोगों ने शायद कर लिया होगा। अभी मूवीज वगैरह देख रहे होंगे हाथ में रिमोट लेके, टीवी में लेके, बट मैं तो वीडियो बना रही थी। एक्चुअली आज मैंने कुकिंग वीडियो बनाया मेरे दूसरे वाले चैनल के लिए, जिन्होंने अभी तक मेरे वो आटा विद बॉन्ग ब्यूटी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो फिर वहां पे आप वीडियो मतलब देख सकते हो, कुकिंग वीडियो वहां पे मिल जाएगा। अभी तक मैंने अपलोड नहीं किया, जो मैं कुक की हूँ कुकिंग का वीडियो अभी तक मैंने अपलोड नहीं किया, बट खाने का वीडियो पहले आ जा रहा है इस चैनल पे। एक्चुअली आज मैंने बनाया एग मलाई करी, जैसे बंगाली डिश पता है ना, चिंगरी मलाई करी, तो मैंने चिंगरी की जगह एग डाल के एग मलाई करी बनाया है, और उसके साथ बनाया है पीस पुलाव, मटर का पुलाव। बहुत मन कर रहा था, पता है कितने, 15-20 दिन से ऊपर बहुत ज्यादा मन कर रहा था, बनाने का मन भी कर रहा था, खाने का मन भी कर रहा था, बट साथ में ये भी मन कर रहा था कि मैं जब कुक करूँ ना तो उसका वीडियो बना के शेयर करूं, क्योंकि मुझे कुकिंग करना बहुत ज्यादा पसंद है। और मेरे चैनल पे कुछ सब्सक्राइबर्स हैं जो मुझे कभी कभी कमेंट बॉक्स में बोलते हैं कुक करने के लिए, कोई बोलते हैं चिकन कुक करके दिखाओ, कोई बोलते हैं बंगाली स्टाइल में फिश करी कैसे आप लोग बनाते हो। वो एक तो मुझे कुकिंग करना एक पैशन है मेरा, अभी छूट गया है काम के चक्कर में, मैं कुकिंग करने का टाइम नहीं मिलता है मुझे, बट कुकिंग बहुत अच्छा लगता है मुझे, करके खुद खाना नहीं कुक करके सबको खिलाना ये ज्यादा पसंद है मुझे। तो चलिए आज मैंने बनाया है पीस पुलाव एंड एग मलाई करी। अभी मैं जा रही हूँ खाने, 3 से ऊपर हो चुका है, तो सब रखा हुआ है। इसमें है पीस पुलाव और इसमें है एग मलाई करी, इसको मैंने अभी बाहर निकाला नहीं, अभी 10-15 मिनट पहले एग मलाई करी बना है, और ये जो है ये उससे पहले मैंने बना के रख दिया था। ठीक है, पहले मैंने पीस पुलाव बनाया, उसके बाद मैंने मलाई करी बनाया, तो चलिए इसको निकालते हैं। टेस्ट मैंने कर लिया भाई पहले ही बना के, क्योंकि मेरे से रहा नहीं जा रहा था, कोई तो यहाँ पे है नहीं, कोई होता तो मैं खुद नहीं खाती, सबसे पहले बना के उनको देती कि खा के देखो कैसा बना है ना। तो अभी यहाँ पे कोई है नहीं तो मैंने खुद ही खा लिया, तो इसको खोलते हैं। ढेर सारा बनाया है, खुल नहीं रहा है, गर्मी से लॉक हो गया भाप से लॉक हो गया। तो देख रहे हैं ढेर सारा बनाया है, इतना मैं नहीं खाऊंगी, आज घर लेके जाऊंगी, संडे है ना, आज पीस पुलाव है ना, वो बहुत बना है, बहुत ही अच्छा बना है एकदम। ये देखो, मुझे ना डर लगता है ये सब खाना बनाने में, क्योंकि इसका जो पानी है ना चावल का, वो तो हम लोग फेंकते नहीं है, इसी में सूख जाता है, और पानी थोड़ा सा ज्यादा हो गया तो फिर ये पूरा गल जाएगा और सूख जाएगा, तो फिर नीचे जल जाएगा, तो इसी वजह से थोड़ा सा डर लगता है, बट आज मैंने एकदम परफेक्ट बनाया है, एकदम परफेक्ट। मैं खुद चौंक गई हूँ कि मैंने कैसे इतना अच्छा बना लिया। तो ये मैं आज घर लेके जाऊंगी, घर में माँ पापा भाई मेरा बेटा सब कोई खाएगा, मैं अकेली थोड़ी खाऊंगी। चलो मैं थोड़ा सा ही खाऊंगी, क्योंकि बहुत लेट हो चुका है, इतना लेट से मैं ज्यादा खाऊंगी नहीं, रात में फिर सबके साथ खाएंगी। और ये रहा एक मलाई करी, मैं थाली पे ही निकाल ले रही हूँ, और एक मलाई करी जो मैंने बनाया है ना, वो अंडे को तोड़ के बनाया है। ये देखो, एक अंडा बीच में से काट के उसको 2 टुकड़े मैंने कर दिए, इस तरीके से मैंने बनाया है, इतना टेस्टी बना है ना, जब तक नहीं खाओगे तो पता नहीं चलेगा। तो ये रहा पीस पुलाव और ये रहा एक मलाई करी। अब चलते हैं रूम पे, चलिए पंखे के नीचे बैठ के खाएंगे, फिर इसका रिव्यू देंगे कैसा बना है। बैठ गए हैं खाना खाने के लिए, थाली नहीं दिख रहा है ना, क्योंकि व्हाइट कलर का टाइल्स है, उसमें थाली गुम हो गया, नहीं दिख रहा है, सिर्फ येलो कलर दिख रहा है, थाली भी व्हाइट कलर का, चावल भी व्हाइट कलर का, सब मिक्स मैच हो गया। तो सबसे पहले मैं थोड़ा पानी पीऊंगी, बहुत जोर से प्यास लगा है। ये सच में मैं ऐसा नहीं है कि मैंने खुद बनाया है तो मैं खुद की तारीफ खुद करूंगी, ऐसा भी नहीं है। जो चीज खराब बनेगा तो उसको खराब ही बोलूंगी, और जो अच्छा बनेगा तो उसको अच्छा बोलना ही है। आप लोग भी जरूर से ट्राई कर सकते हो, मुझसे तो रहा नहीं जा रहा है, एकदम रेस्टोरेंट स्टाइल का बना है
जब डर डर से बनाती हूँ ना तभी खाना अच्छा बनता है, और जब एकदम कॉन्फिडेंस से बनाती हूँ कि नहीं आज तो अच्छा ही बनेगा, उस दिन खराब हो जाता है। आज बिल्कुल डर डर के बना रही थी कि खराब ना हो जाए, बट आज अच्छा बना है। तो चलिए पहले मुँह में खाना ले, बकबक बकबक करते जा रहे हैं। ये अभी नहीं खा रही हूँ, इसके पहले मैंने टेस्ट ऑलरेडी कर लिया बनाने के साथ वीडियो में ही। मुझे खुद नहीं पता था कि ये इतना अच्छा बनेगा सच में। इस तरीके से बहुत ही कम खर्च में मैंने ये बनाया, पीस पुलाव और एक मलाई करी। मटन बनाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, घर पे कोई आया है ना, घर पे एक रहेगा ना तो फिर इस तरह से बना के खिला दो। मटन तो सबके घर पे थोड़ा बहुत रह ही जाता है। बिल्कुल जैसा मैंने सोचा था बिल्कुल वैसा बना। ऐसे तो कहा जाता है कि खाने के साथ साथ पानी नहीं पीना चाहिए, बट मुझे खाने के साथ अगर पानी ना मिले तो लगता है जैसे खाना मेरा यहाँ पे फंस गया है, नीचे नहीं जा रहा है। तो कम से कम आधे घंटे बाद, खाना खाने के आधे घंटे के बाद पानी पीना चाहिए, बट ऐसे नहीं। आदत बहुत खराब है मेरा, दो दिन पानी पी लूंगी। इसका होता है पेट भर जाता है पानी से, खाना जो है वो नहीं खा पाते। बोल ही नहीं पा रही हूँ, ऐसा लग रहा है जैसे सिर्फ खाती जाओ खाती जाओ खाती जाओ, बात भी बोलूंगी। नजर मत लगाना कोई। बहुत दिनों के बाद ऐसा कुछ खाना मैं बना के खा रही हूँ, लगभग एक महीने बाद। बनाना नहीं करता है, बट ये जो है ना, ये दोनों बहुत बनाने का, खाने का सबसे ज्यादा मन करता है कुकिंग ब्लॉग बनाने का। सो फाइनली मैंने बना लिया। ये जो पीस पुलाव बना है ना, ये हर सब्जी के साथ अच्छा लगेगा। चाहे आप आलू दम के साथ खाओ, चाहे आप मटन चिकन चिंगड़ी का मलाई करी जो है, प्रॉन मलाई करी, कुछ भी। तो आज घर पे चिकन बना है, मैं तो ये ले जाऊंगी। एक मलाई करी के साथ तो मैंने खा लिया, शाम को घर वाले खाएंगे, मैं खाऊंगी चिकन के साथ।
ठंडा। चलो फिनिश। एकदम जरा सा लिया था मैंने, बट पेट जो है वो उसी से भर गया। अच्छा हुआ मैंने ज्यादा नहीं लिया, तो फिर खा नहीं पाती। फिर झूठा खाना अलग से मुझे उठा के रखना पड़ता, क्योंकि मैं फेंकती तो नहीं, ये तो मैं कभी फेंकूंगी नहीं। अभी नहीं खा पा रही हूँ झूठा है, तो क्या हुआ फ्रिज पे नहीं रखूंगी, अलग कटोरी में अलग से रख दूंगी, बाद में खाऊंगी। चलिए आज तो लंच बहुत अच्छा हो गया, नहीं तो मैं ज्यादातर फ्रूट्स सत्तू यही सब दोपहर में खाती हूँ, बट आज संडे है तो इसी इत्मीनान, अभी काम पे भी नहीं निकलना है तो इत्मीनान से मैंने अभी बैठ के नहीं खड़े होके बैठ के नहीं खाना बनाया, खाना बनाया फिर बैठ के आराम से खाया। अब जाके करूंगी रेस्ट, सब काम मेरा खत्म हो गया, अब जाके रेस्ट करना है। तो चलिए वीडियो को करते हैं यही पे ऑफ। आप लोग वीडियो देखो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना, और जिनको एक मलाई कड़ी और पीस पुलाव का इजी रेसिपी चाहिए तो फिर कमेंट करके जरूर बताना, और नहीं तो फिर मेरा जो दूसरा चैनल है आटा विद बॉम्ब ब्यूटी, उस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बहुत ही जल्द उसका कुकिंग ब्लॉग मैं अपलोड करने वाली हूँ। तो आज का वीडियो यही तक, टाटा।